पश्चिमी चंपारण जिले के ज्यादातर गाँव में देखा गया है कि वन अधिकार कानून 2006 नियम 2007 लागू होने के बावजूद वन विभाग वन जीव संरक्षण के नाम पर परंपरागत वन निवासियों का उनके अधिकारों को लाने से रोकता रहा है, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें वन संपदाओं में 13 प्रकार का अधिकार मिला हुआ है। फिर भी अधिकारी इन भोले भाले लोगों के ऊपर चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा में फंसाकर उन्हें प्रताड़ित करता रहा है। हमने के जंगल के बारे में यह बा हर एक चीज कोनो चीज आना जाता वो हमने मतलब कि रोक रहा था के रोकला वो है जंगल विभाग वाला कैटल गार्ड होके सिपाही होके रेंजर होके फॉरेस्टर होके करो लोग का कहे लोग हैं अब लुका चोरा कर जानी जाए जब वो लोग का बोले का काम है बा हमने के कुछ महिला बोली लोग रहो लोग मैं यह हो गया कि चाहिए कहे का मतलब ये सब अपना कहे में बेचे वाला लकड़ी के हमने आरोप डाल सकते हैं अब बेटी बतो के देवे के बैठे तो हमारा के मांगता तो रहुए दी मन झरल झरल गिरल लकड़ी ना पड़ल हां गिरता पड़ता खाड़े गाछ के मांगी ना आ खाड़े गाछ तो दी है ना जैसे कि गिरल बानी से उखड़ के वहाँ सोरा था तो अपना कामयाबी चीज बाटे तो लेके आस वैसा लकड़ी उहो नहीं है मिला। मैं चाहती हूँ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन अधिकारों का मान्यता 2006 नियम 2007 लागू करते हुए हम वन निवासियों को हमारा हक दिया जाए, जिसके लिए मैं अपने समुदाय के लोगों के साथ जिला पदाधिकारी बेतिया पश्चिमी चंपारण को आवेदन देने जा रही हूँ। अगर जरूरत पड़ा तो उनके समक्ष धरना भी दूंगी। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारे इस लड़ाई में सहयोग बने, जिसके लिए DM बेतिया का मोबाइल नंबर है 94739-1298। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।